हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2022 फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज। और ये पेपर भी हर पेपर की तरह 30 मार्क्स का हुआ। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। हमने हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए अपलोड किया था, तो देखते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन पेपर में आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एनी फोर, कोई भी फोर क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। और सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा बताया हुआ आ गया है यहाँ पर। देखिए, हमने आपको बोला था कि 6 चैप्टर है यहाँ पर। 6 चैप्टर में से जो चैप्टर्स के जो पॉइंट्स हैं या उनके जो कवि हैं उनके नाम याद कर लीजिए। जैसे द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो किसकी लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपकी इसका पहला ही आंसर है, यानी कि अगर हम देखेंगे कि जो सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर में से आपकी काफी कुछ हेल्प हुई है। चलिए पेपर और स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनम जैन और देखते हैं यहाँ पे आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन शॉर्ट एनी थ्री, 3 × 2। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी पोयम की जो है आप थोड़ी थोड़ी सी समरी याद कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। तो व्हाट इज दिस देम ऑफ द पोयम ट्री, है ना, क्या है इसका मीन्स इसके बारे में। इसके अलावा व्हाई डिड द लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, ये वाला क्वेश्चन भी है। हामिद वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और व्हाट आर द चेंज, जो अगर हम बात करें यहाँ पे जो काफी कुछ क्वेश्चन है हमारे सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर में से पूछे गए हैं, तो आप चाहे तो उनको कंपेयर करके भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एनी 8 करने। और ये मैंने आपको बताया था कि आपको आपके अकॉर्डिंग ही ये वाला चैप्टर करना पड़ेगा। इसका रीजन है क्योंकि इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन है और इसमें हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेंगे। जैसे कि हिम और हिमसेल्फ का यूज है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे द सन, ये अलग अलग यूजेस हैं यहाँ पर कि भाई किसमें पुट लगेगा। यहाँ पर ए एन द का प्रयोग होगा, सम या फ्यू, बाय या नाउन, है ना, इनके प्रयोग से। तो ये तो आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। ऑन एंड ओवर है, कहाँ क्या लगेगा, तो ये तो एट ए प्रेजेंट पोजिशन पर ही करने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर राइट, अगला देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी एसे 1 जिसे सेव गर्ल्स, यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ये दोनों में टॉपिक मैंने आपको दिए थे, तो आए हैं। सेव इन चाइल्ड नहीं दिया था, बट ये दो टॉपिक आपके यहाँ पर बैठे हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज, अब देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी पैसेज दे देंगे यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो ये पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छे से आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ट्रांसलेट कर लेंगे। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ट्रांसलेट करना ज्यादा बेटर होता है बजाय अगर कन्वर्ट इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश वाले पेसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी समझ के गया तो उसके एक या दो नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। बट इंग्लिश वाला अगर हम बात करें कि हिंदी वाला इंग्लिश में अगर आपसे अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है किसी भी कारण से, तो आपको कुछ भी नंबर यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके अथवा में, यानी कि देखो 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में। एक तो इंग्लिश का हिंदी में करना, फिर हिंदी का इंग्लिश में करना, ये दोनों भी नहीं बन रहे हो, तो आप यहाँ पर जो सीवी है एक प्रकार से रिज्यूम जो है यहाँ पर बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो मैंने रिज्यूम के लिए भी आपको बताया था, सीवी रिज्यूम एक ही बात है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।